goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कई उम्मीदवारों ने अपने प्रचार के लिए स्टार्स को बुलाया था। इनमें से एक बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा सीट के लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर प्रकाश चंद्रा भी शामिल हैं। चंद्रा ने अपने चुनाव के प्रचार के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल को बुलाया था। इस प्रचार में भारी भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन चुनाव प्रचार से लौटने के बाद अमीषा ने डॉक्टर चंद्रा पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। अमीषा पटेल का आरोप है कि बिहार पहुंचने के बाद डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने जबरन चुनाव प्रचार के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया था। अमीषा ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि जहां चुनाव प्रचार होना है वह जगह पटना के नज़दीक है, लेकिन ओबरा वहां से काफ़ी दूर था। उन्होंने कहा कि शाम को उन्हें मुंबई लौटना था, लेकिन डॉक्टर चंद्रा ने धमकाते हुए उनसे जबरन चुनाव प्रचार कराया। अमीषा ने कहा कि मुझे शाम को मुंबई की फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन प्रकाश चंद्रा ने मुझसे जबरन चुनाव प्रचार कराया। जब मैंने जाने की बात कही तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इसी गांव में अकेला छोड़कर चले जाएंगे। अमीषा पटेल ने आरोप लगाया कि प्रकाश चंद्रा ने उनसे जबरन भीड़ के बीच जाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हजारों लोग की भीड़ थी जो पागल की तरह गाड़ी को ठोक रही थी। प्रकाश चंद्रा ने मुझसे गाड़ी से उतरकर भीड़ के बीच जाने के लिए कहा, जहां मेरे साथ अभद्र व्यवहार भी हो सकता था। अमीषा ने बताया कि वह चुनाव प्रचार के बाद लगभग 8 बजे वापस अपने होटल पहुंच सकी। goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे।